आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें, घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी। जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते, हम तो मंदिर का ही दिया उठाया, अब वो घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसना है, रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाल लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दीप। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा रहो, दिए ही जलते हैं वहां 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन, हमारी आदत है। फुलेरे दूज के दिन हमें 5 दीपक महादेव के मंदिर में जलानी है, जिससे कि महादेव हमारी सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करेंगे। ऐसे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में कहा और इसे